आओ मिलकर करें तिरंगे की गरिमा का विस्तार, इस अवसर पर लहरा कर करें शहीदों के सपनों को साकार। राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता का समझो अर्थ, क्योंकि बिना इसके बाकी सब है व्यर्थ। सदैव करना तुम तिरंगे का सम्मान, क्योंकि इसके लिए न जाने कितने वीर हुए कुर्बान। नमस्कार सभी भारतवासियों को, मंगानी तेजस का नमस्कार। दोस्तों आज इस अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि हमारा भारत देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, तो उसमें कोई आशंका नहीं, क्योंकि हिमालय उसका मस्तक है तो गौरी शंकर उसकी शिखा है, कश्मीर उसका किरीर है तो पंजाब और बंगाल उसके दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल उसकी कटी है तो नर्मदा उसकी करगनी है, पूर्व और पश्चिमी घाट उसकी जंगाएं हैं तो कन्याकुमारी उसके चरण हैं और सागर उसके पग पखारता है, बाल उसके काले काले मेघ कुंडल केस हैं तो सूरज और चांद उसकी आरती उतारते हैं। दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि अर्पण और समर्पण के इस पवित्र भूमि वाले देश में एक और जहां भगवान राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी पशुराम के रूप में, तो कभी गौतम बुद्ध के रूप में अर्पित हुए, तो वहीं दूसरी ओर देश के गौरव वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे परिचरित्र भिन्न हुए। साथियों इतिहास गवाह है, जब जब देश में मुसीबतों का पहाड़ आया तब तब ऐसे महापुरुष सामने आए। उन्होंने अपनी पवित्र भूमि के लिए अपना लहू त्याग दिया। इतना सब होने के बावजूद हमारी भारत माता ने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी की, फिर एक नया दौर आया आजादी के संघर्ष का। हमारे जवानों ने अपनी जान निशावर करके देश को आजादी दिलाई। इसलिए दोस्तों ना हिंदू बन, ना मुसलमान बन, ना भ्रष्टाचार का गुलाम बन, बन तो सिर्फ एक इंसान ही बन। कुछ ऐसे कर्म कर कि खुद से शर्म ना हो। इतना सुंदर जीवन दिया हमें कई जवानों की कुर्बानी ने, इतना सुंदर जीवन दिया हमें कई जवानों की कुर्बानी ने, पर फैशन ने अंधा कर दिया जोश बड़ी जवानी ने। क्या समझेंगे मोले आजादी का, क्या समझेंगे मोले आजादी का, कभी सहा ही नहीं दर्द गुलामी का। दोस्तों जरूरी नहीं कि देश के लिए लहू बहाकर ही हम देशभक्त कहलाएंगे। आओ आज हम कसम खाते हैं कि हम अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे, उसे स्वच्छ रखेंगे, व्यसन मुक्ति का अभियान चलाएंगे, कूड़ा कचरा रोड और रास्ते पे नहीं डालेंगे, हम अपनी जात पात छोड़ के इंसान बनने की कोशिश करेंगे और ना रिश्वत खाएंगे ना खिलाएंगे। अंत में कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सदा बहार गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे, ईमान के पीछे सब हो जाए घायल, ऐसी हसीन तो शराब बना दे, सदा बहार गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे, पैसे के पीछे जो करते हैं आतंक, देश के लिए वो बने हैं घातक, उनको ऐसा सबक सिखा दे देश क्या चीज है उनको बता दे, सदा पहार गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे, ना किसी विधवा की लाज लुटे, ना किसी भगत सिंह को फांसी लगे, प्यार का एहसास तू जना बहा दे, सदा पहार गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे, वही आजाद वही सरदार हिंदुस्तान को लौटा दे, और फिर से तू हिंदुस्तान बना दे, सदा पहार गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे, अयोध्या में राम मंदिर बना, कश्मीर में 370 हटी, आतंकवादियों के लिए एक दुर्घटना घटी, इसी तरह कोई ऐसी जड़ी बूटी ला दे जो इस कोरोना को भगा दे, और फिर से मुझ जैसे मासूम बच्चों की स्कूल खुलवा दे, सदा पहाड़ गुलशन तो हिंदुस्तान बना दे। धन्यवाद।